बनेगी फिर भो हटेगा अंधियारा घन घोर आएगी फिर भोर हटेगा अंधियारा घन घोर उजली सी दर्द हो रहा है सुबह सुनहरी राहत के उस मन में धर विश्वास के होगा उजियारा आएगी फिर भोर हटेगा अंधियारा श्रद्धा के जल से भक्ति की ये बेल सुहाए साई कहे जोरा के सबूरी प्रभु कृपा का वो फल पाए रोने की जरूरत नहीं है बेटे मैंने तुमसे वादा किया था ना कि हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आता रहूंगा श्रद्धा और सबूरी रखो ये कैसे होगा मुझसे साई मुझसे तो एक कुल्हाड़ी उठ भी नहीं रही है तू कैसे चलाऊंगी मैं इसे एक बार और प्रयास करो जैसे एक पक्षिणी कोई दूर गगन में दृष्टि सदा अपने नन्हों पर हर क्षण रहती है वो लगाए वैसे मेरे साई दयागन देखे हमें इस छोर आएगी फिर भोर हटेगा अंधियारा शिरडी में आन बसे है साई नहीं कोई और साई नहीं कोई और जाओ मैं चलता हूं लेकिन कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो पुकार लेना करुणा मैं जो सर...
वो परी हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंट बखेड़ा खेद नहीं हो, तीर्थ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। पंताजी, इतनी रात हो गई है और हम इस सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, आप डर तो नहीं रहे ना? नहीं नहीं ठीक है। ये कैसी आवाज थी पंताजी? पता नहीं। आप डरे तो नहीं? नहीं नहीं चलो। ठीक चलिए। सरकार भूत, भूत। शांत शांत शांत, क्या क्या हुआ? सरकार भूत। नहीं नहीं सरकार, पिशाच है। तुम लोगों का भूत पिशाच अभी निकालता हूँ मैं बाहर। रुकिए रुकिए सरकार, रुकिए। क्या है? हम पर नहीं सरकार, गांव के बाहर है भूत। भ्रम हुआ है तुम लोगों को? भ्रम? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। सरकार हमारा विश्वास कीजिए। तुम लोगों का विश्वास करूं मैं? तुम्हारी तरह मूर्ख समझ रखा है मुझे? जिस काम के लिए भेजा था वो करके आए हो कि नहीं? हाँ सरकार, जिस कार्य के लिए आपने हमें भेजा था उसी कार्य हेतु हम नई बस्ती में गए थे, और वहाँ पर वहाँ तो कल्पना से भी अधिक लोग आ गए सरकार। अब तो लगता है मिल और जल्दी बन जाएगी। हाँ सरकार। हरिओम हरिओम। अगर ये मिल बन गई तो गांव में और अंग्रेज सरकार के सामने उस बलवन का औदा बढ़ जाएगा। मील तो मैं बनने नहीं दूंगा। लेकिन सरकार, रास्ते में हमने जो देखा वो जब? ऐसी बेहुदा बातों में उलझने का समय नहीं है मेरे पास। बलवंत अपने आप को बहुत चतुर समझ रहा है। इससे पहले कि वो मील बने और मेरी सत्ता हिले, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हरिओम।
उठ, मनहूस कहीं की, बाहर निकल। घोड़े बेच के सो रही है, काम हुआ या नहीं? सारा काम हो गया है, कटी हुई लकड़ी अब वहां कोने में रखी है। झूठी कही की, कल तो बड़े बहाने बना रही थी, अब कैसे हुआ? मुफ्त का खाना है बस, काम नहीं करना है तो हजार बहाने। देख ये आलस यहाँ नहीं चलेगा, जा तैयार हो जा, आज तुझे आटा पीसना है। वो देख चक्की के पास 5 बोरियां रखी है। दोपहर तक पीस के हो जानी चाहिए, मेहमानों के आने तक, समझी? मैं अकेले 5 बोरी कैसे पीसूंगी? चल चल नाटक बंद कर, जो कहा है वही कर। साई, प्रणाम साई। राम जी भला करे। अच्छा हुआ आप यही मिल गए साई, आपके लिए एक भेंट लाया हूँ। वही द्वारका माई में आकर देने वाला था, लेकिन आप यही मिल गए तो ताते। ये देखिए सर, मैं नगर गया था जहाँ मुझे ये दिखा, सोचा आपके लिए ले आऊं। बड़ा ही आधुनिक मटका है ये, जो है वो दुकानदार कह रहा था इसे नल कहते हैं। इसे ऐसे घुमाया तो पानी बाहर आता है और वापस ऐसे घुमाने पर पानी बंद होता है। इससे पानी की बचत भी होगी और पानी निकालने में सहूलियत भी। नई नई चीजें ईजाद हो रही है, ये देखकर अच्छा लग रहा है। तात्या, इसे द्वारका माई में रखवा देना। जी साईं। बच्चों को तंग कर रहा है। हाँ। ए, 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 पीछे, रुक। अरे गेंद दो ना। अरे गेंद दो। अरे गेंद। अरे गेंद। ए, ए, रुक। क्या कर रहा है बच्चों के साथ? अंद्रिया। अंद्रिया। ये क्या तमाशा खड़ा किया है तूने यहाँ पर? वैसे आप सबको भी तो तैयार होना शुरू कर देना चाहिए, आज मिल का भूमि पूजन है,
पूरा गांव आमंत्रित है। साई, हम सब ने फैसला लिया है कि हम भूमि पूजन में सम्मिलित नहीं होंगे। ऐसा क्यों मालसपति जी? किसानों की जमीनें ले ली, वहां पे मिल बना रहे। साई, पूरे शिरडी का नक्शा ही बदल रहे हैं। सच कहूं तो ये बदलाव अच्छा नहीं लग रहा। हमें हमारी शिरडी वैसी ही पसंद है जिसे हमने बचपन से देखा है। आपने कहा नई बस्ती के लोगों को स्वीकार करो, हम कर रहे हैं, खुले दिल से कर रहे हैं। लेकिन सही, इतना बड़ा बदलाव हम नहीं स्वीकार कर पाएंगे। पाटिल जी, जब आपने ये मटका मेरे लिए लिया था तो क्या ये विचार मन में आया था कि बचपन से साधारण से मटके से पानी पी रहा हूं? ये तो नए तरह का मटका है। मुझे पसंद आएगा कि नहीं, ये भी तो बदलाव है। लेकिन मुझे ये पसंद आया इसलिए नहीं कि इसमें नल लगा है, बल्कि इसलिए कि जिन बदलावों से किसी को हानि ना पहुंचे, हमें उन्हें खुले दिल से अपनाना चाहिए। जैसे कि इस मटके से द्वारका माई में आने वाले लोगों को सहूलियत होगी। लेकिन इस मिल के कारण किसानों के खेत तो गए ना सही, हानि तो हुई है। पाटिल जी, लोगों के खेत गए क्योंकि लोगों ने लालच में आकर बेच दिए, या सूखे की अफवाह के डर से बेचे हैं। किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की थी। और रही बात बदलाव, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर नए बदलाव के साथ कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां होना तो स्वाभाविक है। बदलाव को पूरी तरह से नकारने से बेहतर है कि हम उन अच्छी चीजों का स्वागत करें और बुरी चीजों का सुधार। ये मिल शिरडी के भविष्य के लिए, यहां के लोगों के लिए अच्छी है या बुरी, यह हमें तभी पता चलेगा जब हम उसको स्वीकार करें। जब तक ये पूरी तरह से शुरू नहीं हो जाती, इसके हानि लाभ का आकलन गलत होगा। और चूंकि जमीनें बिक चुकी हैं और मिल ही भविष्य है, तो हमें सबको प्रयास करना चाहिए कि ये मिल कामयाब हो। आप सबको भूमि पूजन में उपस्थित रहना चाहिए। पाटिल जी, बदलाव तो प्रकृति का नियम है और इंसान की प्रवृत्ति है कि जब भी वो कुछ अलग देखता है, नया देखता है, तो उस पे संदेह और अविश्वास करने लगता है। तात्या, इस मटके में थोड़ा पानी भर के ले आ। अजीब आदमी पहली बार देख रहा हूं। आपका बच्चा है? इतना जंगली, इतना बड़ा हो गया और छोटे बच्चे को लकड़ी से मार रहा है, डरा रहा है। चुप चुप कहा ना मैंने। ये ऐसे क्यों कर रहा है? कोई परेशानी है क्या इसको? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वो क्या है ना, इसके अंदर बचपना है, इसलिए ऐसे मस्ती करते रहता है। वैसे ये किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना बड़ा हो गया है, मस्ती करने की उम्र थोड़ी ना इसकी, वो भी इतने छोटे बच्चों के साथ। चाचा, संभाल कर रखो अपने बच्चे को, और नहीं संभालता तो घर में बंद करके रखो। आगे से हमारे बच्चे को परेशान किया ना तो हम भी नहीं छोड़ेंगे इसे। चलो ए, चलो। ए मनहूस, कहीं तू मेरी थोड़ी बहुत इज्जत रख।
तेरी तो हाथ में टांगे तोड़ दूंगा। मत 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 मारियो उसे। साई बचा रहा था और आपने इसे ही डांट दिया। गौरी, तुम जो इसे बहाने बना बना कर बचाती हो ना, इसी का नतीजा है। इसलिए ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर इसने सांप को देखा था तो पहले क्यों नहीं बोला? इसे घर लेके जाओ और अच्छी तरह से समझाओ। बेटा, तो इनकी बातों का बुरा मत मान, चले। मैंने तेरे लिए मन्नत मांगी है तो प्रसाद चढ़ा दूंगी और तेरा मन भी बहल जाएगा। चलेगा ना? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.